सुबह 9 बजे। भाई बड़े मुश्किल से एक न्यू मेंबर मिला है घर के लिए। चलो आने वाला है, बस उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आएगा, कितनी देर लगेगी उसे आने में। आपको भी दिखाएंगे जब वो आएगा। सो गाइस, अपना मेहमान आ चुका है। सो भाई मैं हो गया हूँ रेडी, चलेंगे अब लाइव कॉन्सर्ट देखने। मिलते हैं आपसे वहाँ जाकर। आ गए हैं गाइस पार्क में, कॉन्सर्ट भी शायद स्टार्ट हो गया है। आवाज़ आ रही है मेरे को थोड़ी थोड़ी सी। चलते हैं हम जल्दी जल्दी, अपनी सीट पर बैठेंगे और देखेंगे। हाँ बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे हैं भाई। अभी कॉन्सर्ट वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, रिहर्सल चल रही है अभी, तो ये ट्राई कर रहे हैं कि सब ठीक है या नहीं। रुक गए यार, अच्छा गा रहे हैं वैसे, बहुत बढ़िया गा रहा है ये आदमी। So guys, now the second team has come on its stage to sing the song. देखते हैं अब ये टीम कैसा गाती है। भाई इनका परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ और सबसे ज़्यादा मज़ा इसे आया, देखो लड्डू भी लड्डू ही है, ताली बजा रहा है जोर जोर से।
पीछे देखो यार, बच्चा है वो, छोटा सा बच्चा बजा रहा है ड्रम, बहुत छोटा है। तो गाइस चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि इसमें बस दो या तीन लोगों ने अच्छा गाया होगा, बाकी सब तो ऐसे ही हैं। भीड़ काफ़ी है, देख लो आप भी, सही है, भीड़ तो ठीक ठाक है पर गाने के लिए अच्छे नहीं हैं। भाई घर तो मैं आ चुका हूँ, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, गाड़ी में मैंने कल लगवाई थी वो चीज़, देखो आपको भी दिखाता हूँ। एक मिनट लाइट जला लेता हूँ, देखो भाई इसने पन्नी नहीं उतारी बस। अब देखो भाई एकदम जेन्युइन। सो भाई ये एकदम सेट हो गई है, चलते हैं ऊपर चलते हैं। सो गाइस कपड़े बदल लिए हमने, खाना भी खा लिया है, अब बैठे हैं हम आराम से। सुबह से कहीं ना कहीं घूम रहे थे, सुबह गया था मैं गाय लेने के लिए, उसे देखते देखते शाम हो गई, फिर शाम को वो गाय आई, उसके बाद कॉन्सर्ट देखने चले गए, अब आराम से बैठे हैं एकदम। मिलेंगे गाइस अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।